हाय गाइज, फाइनली आज मेरा सिलेक्शन एक अच्छा कंपनी में हो गया। और कंपनी के बारे में और कंपनी का फुल डिटेल आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं और जान सकते हैं। आप संभल भी सकते हैं, आप फंसने से देख सकते हैं कि आप दोस्त एक कैसे दुश्मनी करता है और दोस्त ही दोस्त को कैसे फंसाता है। और उसमें जो है फंसने वाला कोई रहता नहीं है, रिलेशन का या दोस्त ही फंसता है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा। और देखिए, 12 से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला था, तो मेरा जो है थोड़ा तबीयत गड़बड़ाने की वजह से 15 कर दिया। कल 15 है, आज ही 15 तारीख है। तो भाई, ये कंपनी फ्रॉड नहीं है, जैसे कुछ कंपनी का मैं नाम ले रहा हूँ कि ये कंपनी फ्रॉड नहीं है। कंपनी के नाम पे फ्रॉड किया जाता है, और जो है वहाँ पे बुलाने, सबसे बड़ा बुलाने का तरीका गलत है। क्योंकि आपका दोस्त, आपका रिलेशन जो भी बुलाएगा वो बताएगा कि मेरा सैलरी 18,000, 15,000 या 20,000 या 25,000 कुछ महीना महीना आता है। तो भाई, उसमें मंथली कुछ नहीं आता। और आपको वहाँ पे जब वहाँ जाइएगा तो ट्रेनिंग में इतना ब्रेन वॉश, मतलब इतना आपको माइंड में लगा देगा कि आप भी लगेगा शुरुआती तो 10 दिन या 1 महीना तक लगेगा कि आप बहुत अच्छा जगह आ गए हैं। वहाँ पे सैलरी कुछ देगा नहीं, बोलेगा जितना प्रोडक्ट बेचिएगा उतना आपको सैलरी मिलेगा। तो शुरुआती जो है आपके साथ जो एक सीनियर हमेशा रहेगा कि आपको महीना 2 महीना तक लगने नहीं देगा कि मैं फंस चुका हूँ। तो और जो है कंपनी का नाम सबसे पहले तो आता है सब नंबर वन में, अभी आइसोट कंपनी है। आइसोट कंपनी के बाद मान के चलिए मेरा दोस्त जो फंसाने की कोशिश कर रहा था वो टेक्सटाइल कंपनी का नाम लिया था। और इससे पहले भी मेरा कुछ फ्रेंड या गांव का गलेज में था। उसके बाद एक DBA कंपनी का नाम मैं सुना हूँ, और वीडियो सब देखा हूँ तो वीडियो पे अनेक सारे कंपनी का नाम लिया गया है। और अलग अलग जगह से, मतलब लोकल जगह में इसलिए रहता है क्योंकि लड़का आसानी से फंस जाए, और लोकल जगह में सब चाहता है कि मैं वर्क करूँगा। मुझे धनबाद से कॉल आया, मेरा कुछ पार्टनर वहाँ धनबाद में फंस चुका है और जो है बहुत सारे पार्टनर को फंसाने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद वाराणसी में भी इसका ब्रांच है, और बहुत जगह ब्रांच है। तो आप लोग थोड़ा संभाल के और जो है कभी कहीं भी कोई फ्रेंड से दो बात करिएगा तो उससे सैलरी स्लिप जरूर मांगिएगा। और अगर पहले रुपया का कोशिश करता है, पहले कुछ भी रुपया का कोशिश करता है, 500 भी रजिस्ट्रेशन का कोशिश करता है तो वो कंपनी पूरा। तो चलिए, आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आप भी कभी कोई प्राइवेट मतलब फ्रॉड कंपनी में फंस सकते हैं, और फंसने के बाद दोस्त वहां से निकलना भी बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो भी रुपया आपका फंस जाएगा वो रुपया भी निकालना बहुत मुश्किल रहेगा। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आगे का कहानी मैं बता रहा हूँ। देखिए, वहाँ पे सबसे पहले तो मैं जब संधार छोड़ के आया था तो मैंने एक वीडियो बना दिया था कि मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। तो वो जो है थंबनेल देख के लड़का, उनको लगा कि इनको जॉब का ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया। और कॉलेज पार्टनर था, एक कॉलेज में हम लोग एक साथ पढ़े थे, तो मुझे थोड़ा बिलीव हो गया कि लड़का सही बोल रहा है। उसके बाद जो है उन्होंने मैसेज पर डे मैसेज करने लगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं। उसके बाद दोस्त जब इसमें फंसाएगा तो कोई खास आपका दोस्त ही या आपका फैमिली, मतलब आपका रिलेशन ही कोई फंसाएगा। इस ये कंपनी जो है अब लगभग में 5 साल से चल रहा है। इससे पहले भी लगभग में 3 या 4 वर्ष पहले भी मेरा रिलेशन का कोई फंसा था, तो वो बहुत कोशिश किया था तो हम लोग नहीं गए थे। ये मुझे बिलीव इसलिए हो गया क्योंकि ये पहले जो है कंपनी का नाम नहीं बताया। पहले मैं कंपनी का नाम पूछा था तो बोला था टेक्सटाइल कंपनी यहाँ पे है, तो मैंने सर्च मारा था टेक्सटाइल कंपनी धनबाद रांची तो आ गया था। तो उतना मैं सर्च नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मेरा खास पार्टनर डिप्लोमा का लड़का है उसमें है तो सही है, छानबीन नहीं करने लगा। जब वो पूरा प्रेशर करने लगा कि सर आप कब आइएगा, तो मुझे लगने लगा और बार बार जो मैसेज करने लगा गुड मॉर्निंग, तो भाई वो भी दोस्त मेरा देख रहा होगा वीडियो, तो भाई अब जो है आप ये तो काम मत ही करिएगा कि किसी को ज़्यादा रिक्वेस्ट करिएगा। तो उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करने लगा, बार बार गुड मॉर्निंग सर करने लगा। उसका फोन करता था तो पूरा सर ऐसा आपको ब्रेन वॉश करेगा कि ऐसा मतलब आपको दिखाएगा कि लगेगा कि वो बहुत बदल चुका है। आप भी जानने का कोशिश करिएगा कि वो कौन सा कंपनी और कैसा वर्क पकड़ लिया कि इतना कम दिनों में इम्प्रूव हो गया। क्योंकि हम लोगों का 8 महीने पहले कॉलेज ख़त्म ही हुआ था, और 8 महीने में वो कुछ स्टैंडर्ड ढंग से फ़ोन करता था, आप कैसे हैं, आपका मम्मी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, पूरा फैमिली के बारे में पूछता था। पूरा लगता था कि आप यहाँ आइएगा तो मम्मी का हाथ से बनाया कुछ लाइएगा या नहीं। और दोस्त बहुत सारे बात कैसे बोलता था कि लगता था, मुझे भी लगता था कि वहाँ जाएंगे तो हम भी थोड़ा बोलने के लिए सीख जाएंगे। तो उसके
बाद जो है उन्होंने पहले ही कुछ बोला था कि रिज्यूम आप अपना भेज दीजिएगा, तो रिज्यूम मैंने भेज दिया था। वो बोला कि मैं ऑफिस में लगा दिया हूँ, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो आपको कॉल किया जाएगा। तो मैंने बताया था कि मुझे 8 तक मुझे मतलब इधर वर्क है या मेरा एग्जाम था, तो मैं एग्जाम दे के कहीं निकलूंगा। तो उन्होंने 8 तक नहीं किया, 9 को जो है उसका कंपनी कॉल कर दिया मुझे कि सर आपका जो है रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, आप जो यहाँ शॉर्ट इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। तो मैंने बोला, तभी रूम में थे तो फ्री थे और बोले सर फ्री है, आप इंटरव्यू ले सकते हैं। तो उन्होंने मेरा नाम, पापा का नाम, उसके बाद जो है एड्रेस और एजुकेशन के बारे में नॉर्मल कुछ पूछा। उसके बाद बोला कि आपका यहाँ शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, क्या आप यहाँ आना चाहते हैं? तो मैंने बताया हाँ। तो बताया सर सैलरी कितना, पेमेंट कितना है? तो पेमेंट उन्होंने बोला कि लास्ट आपका जो है जो कंपनी आपने छोड़ा वहाँ पे पेमेंट आपका कितना था? तो मैंने बताया 21,000। तो बोला सर यहाँ पे जो है ना आपका 25,000 से 30,000 पेमेंट रहेगा। और मैंने दोस्त भी मेरा बता दिया था कि यहाँ पे जो आप वर्क करिएगा तो वर्क के हिसाब से पेमेंट आएगा, और जो है यहाँ पेमेंट मेरा जो है 18,000 से 25,000 तक उन्होंने बताया कि आ जाता है। और बेसिक पे उनसे पूछे थे तो बेसिक पे बोला था 18,000 है। तो मुझे लगा था कि अच्छा कंपनी, अच्छा खासा कंपनी नज़दीक में मिल गया। तो जब वो फोन काटने का टाइम आया, जब मुझे लगभग मैं 3 या 4 मिनट कॉल हो गया, वो रिकॉर्ड मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे और रिकॉर्ड भी सुनाएंगे। तो उन्होंने बताया कि आप जो है आइएगा तो अपना जो है मतलब दोस्त से बात कर लीजिएगा, या खाना का कुछ यहाँ पे एडवांस लेकर आना पड़ेगा। तो फोन काट दिया। उसके बाद मैंने दोस्त से पूछा कि दोस्त, वो जो है बताया कि खाने के लिए कुछ अलग से लाना पड़ेगा। तो दोस्त मेरा बताया कि यहाँ पे आइएगा तो 2,500 रुपया रजिस्ट्रेशन का लगेगा। तो तभी मुझे पूरा शक हो गया, विश्वास हो गया कंपनी जो है ये फ्रॉड है, कोई भी कंपनी 1,500 रुपया नहीं मांगता है। ये सब वर्क जो है जो फंस जाता है दूसरे को फंसाने के लिए बहुत कुछ करता है। तो मैंने उससे पूछने लगा कि आपका जब पहले रजिस्ट्रेशन का लगता है तो इस कंपनी में जो है फिर से लगता होगा, तो पहले तभी तो नहीं बताया? और बोला कि मेरा, उसके बाद मैंने पूरा कंफर्म करने का कोशिश किया कि पेमेंट तुम्हारा आता है कि नहीं। तो वो अभी तक जो है अभी तक क्लियर नहीं कर रहा, अभी तक बोल रहा है कि पेमेंट आता है। मतलब जो है वो क्या बताऊँ दोस्त, वो कुछ मतलब अपना सीनियर का या नहीं तो घर का जो भी हो पेमेंट अथी भी भेज, पेमेंट प्रूफ भी भेजा है, और जो मैसेज नहीं आता है वो मैसेज प्रूफ भी भेजा है कि देखिए देखो कंपनी मतलब आता है कि पेमेंट आता है कि नहीं आता है। तो पेमेंट जो भेजा है वो अलग कंपनी का है, नाम बताया कभी से, एक बार पहले मुझे बताया था आइसोट कंपनी, और जो है जब मैंने आइसोट का वीडियो सब देखा तो बहुत सारा वीडियो बना हुआ था फ्रॉड का। उसके बाद जो है बता रहा था बताने लगा टेक्सटाइल कंपनी। तो भाई रांची में टेक्सटाइल वैसे कंपनी है नहीं, और छोटा मोटा है भी तो वहाँ पे मतलब डिप्लोमा में डिप्लोमा का लेगा नहीं, हेल्पर का लेता है डिप्लोमा का लेगा नहीं। तो मेरे साथ जो है वो बहुत चाहे कि मैं इसको फंसा दूंगा और यहाँ पे आएगा तो बहुत सारे लड़का को जुड़ाएगा। तो मैं ऐसा करूँगा नहीं, जहाँ पे पेमेंट लगता है मैं क्या, आप लोग भी कोई भी हो जहाँ पे पेमेंट पहले मांगता है कोई भी कंपनी में आप लोग ज्वाइन मत ही करिएगा। जो भी कंपनी पहले पेमेंट मांगता है वो पूरा पूरी फ्रॉड कंपनी रहता है, और आप लोग कहीं पे कंपनी में पेमेंट दे के मत ही जुड़िएगा। चलिए हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।